हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीछे आधा घंटा सो क्या गए? इन लोगों ने सेट के साथ साथ हमें भी सजा दिया। यार बोली लगाई जाए। हाँ लगा लीजिए पापा। बारी बरसी खटने गया सी। ओ, बारी बरसी खटने गया सी खट के ले आंदे भाले। भाले? ओ, साढ़े सो विच आए जुग जुग जियो वाले साढ़े सो जुग जुग जियो। बाबा मैं भी एक बोली लगा दूं। हाँ बेटे क्यों नहीं। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे अंगूर। एक मिनट बेटा, आम का सीजन चल रहा है। तो अंगूर क्यों खट के ला रहा है बेटे? आम लेकर आना। ये भी ठीक है। हाँ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे आम साढ़े घर आए नीतू जी और अनिल कपूर। अब ये तो राइम ही नहीं हुआ। अंगूर के साथ मैंने अनिल कपूर बनाया था बाबा, आपने आम बीच में डाल दिया। मैं करता हूँ। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे आम साढ़े शो विच आए वरुण कियारा और धनी राम साढ़े शो। हाँ बेटे। ए धनी राम कौन है बाबा, कहाँ है? वहाँ बैठा हुआ है ना वो आम वाला हमारा। हाँ आम वाला, तभी तो मैं सबको लेकर आया। तू जो बोलेगा राइमिंग नाम का आदमी वहाँ बैठा हुआ है। क्या बात है, कैसा लग रहा है आपको दीदी? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका सर, अब हम चलते हैं, ऐसा बोल के आप लोग चले गए। क्या बात है, जुग जुग जियो के लिए बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटे ए मेरा लल्ला, रो क्यों रहा है बेटा? खुशी का मौका है बेटे, रोते नहीं। अरे बाबा ये आए इस बात की तो मुझे खुशी है, लेकिन हमारा तो आखिरी दिन है पापा, शो आखिरी लास्ट डे शूटिंग। अरे बेटा कुछ नहीं होता बेटे, कुछ ही दिन की बात है, रोते नहीं फिर आ जाएंगे। कुछ ही दिन की बात है ये बाबा, कम से कम 3-4 महीने लगेंगे। हाँ। क्या? हाँ बाबा। बाबा बाबा शांत हो जाइए बाबा। बाबा देखिए ना, नीतू जी भी आई है। देखे मनीष बॉल भी आए हैं। तू बार बार सिलेबस क्यों चेंज कर देता है? बात कर रहा है, बात कर रहा हूँ ना मैं, क्या बात है। अनिल साहब देखिए आजकल के बच्चों को, और आजकल के बच्चों देखो अनिल साहब को, आप फिट हैं सर आप। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आई लव यू सर। क्या बात है, क्या लगते हैं सर? सर 40 साल से ज्यादा हो गए आपको इंडस्ट्री में, है ना सर? प्लीज बैठिए। सर मेरा आपसे एक सवाल था, ये कौन सी वाली पापड़ी होती है जो सबसे अच्छी होती है? यही नहीं क्यों पता होगा पापा? अरे बेटा जब उनको झांपड़ी का पता है तो पापड़ी का भी पता ही होगा। मैं तो
अनिल साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनकी फिटनेस देख। मैं देख रहा हूँ। तुझे पता है? नहीं। तुझे पता है जब अनिल साहब पहले माले से 10 माले पे जाते हैं ना, इनको एक बूंद पसीना नहीं निकलता। ऐसे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे पापा? लिफ्ट से जाते हैं ना। अब फिटनेस फ्रीक है इसका मतलब ये थोड़ी है हर जगह भागते फिरेंगे, है ना सर? कमाल है सर, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। कल ही मैंने आपको पलंग में देखा। पलंग? बाबा पलंग में नहीं, आपने मलंग में देखा होगा। अरे मैं पलंग पे लेटा था ना, मैं मलंग देख रहा था। वैसे बता रहा हूँ, मैंने तो कल मनीष पॉल को भी पलंग में देखा। इनकी कौन सी फिल्म देखी? फिल्म नहीं है, मेरे साथ लेटा हुआ था पलंग पे। बाबा आप ये सच कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? मजाक क्यों करूंगा, वो एंकर है ना सर, यही मुझे बता रहा था। अब आने वाले हैं आदित्य रॉय कपूर। तालियां। मैं ताली बजाता था, फिर आपकी एंट्री पे भी क्या ताली बजवाई। खैर लेकिन जो भी है बेटे, बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ। क्या सफर तय किया है यहाँ तक, क्या काम किया है, क्या टैलेंट है। वो तो है, कमाल की एंकरिंग करता है। हाँ बाबा, और ये एक्टर भी काफी अच्छे हैं। हाँ बेटा, कमाल की एंकरिंग करता है। डांस भी अच्छा, डांस भी काफी अच्छा कर लेते हैं। हाँ बेटा, कमाल की एंकरिंग करता है। बाबा यहाँ पर मैं एक्टिंग डांस की बात कर रहा हूँ, आप ये एंकरिंग 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 क्यों किए जा रहे हैं? मैं नहीं, इनको बोल, ये एंकरिंग 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 किए जा रहे हैं। ये अपने बीच का बंदा है यार, क्या बात है, यहाँ तक आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा ये तो आप यहाँ कह रहे हैं, अभी पीछे आप कह रहे थे कि इतनी बड़ी फिल्म इस मनीष पॉल को कैसे मिल गई। कह रहे थे अभी मुझे क्या, तो पीछे की बातें आगे क्यों कर रहा है? समझ नहीं है तेरे को, छोटी बच्ची हो क्या? क्या बात है यार, क्या ये बकवास कर रहा है मनीष, ऐसी कोई बात नहीं है। तूने इतनी बड़ी फिल्म में काम किया, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू, देख लूंगा। सर पूरा तो सुनिए अनिल सर, देख लूंगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लूंगा मैं। क्या बात है, देखिएगा पापा, पापा वरुण धवन, वरुण धवन पापा। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहा, मेरे को भी पता है वो आए हैं। बेटा एक काम कर, तू वरुण से बात कर ले, मैं नीतू जी से बात कर लेता हूँ। पापा, आप थोड़ी देर वरुण जी से बात कीजिए, मैं थोड़ा यारा जी से बात कर लेता हूँ। देखिए मैंने कहा ना, तू वरुण से बात कर ले, मैं नीतू जी से बात कर लेता हूँ। आप वरुण जी से बात कीजिए ना, मैं थोड़ी देर कियारा जी से बात कर। बेटा मैंने कहा ना, तू वरुण से बात कर ले, मैं नीतू जी से बात कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है, नीतू जी के लिए जोरदार तालियां, वाह। नीतू जी, हम लोगों ने कितना सारा काम किया है साथ में, बर्निंग ट्रेन जी, कमाल की फिल्म थी। लेकिन आपको अंदर की बात बताऊं, मैंने जब फिल्म थिएटर में देखी, वो जो डैनी नहीं थे, डैनी गोलगप्पा का नाम, हाँ वही, जब मैंने फिल्म थिएटर में देखी तो डैनी जी ने ट्रेन में आग लगाई थी। कमाल की बात है, जब हम शूटिंग कर रहे थे तो शूटिंग पे तो हंसते खेलते थे हमारे साथ, हमारे साथ बैठ के खाना पीना खाते थे, हंसते खेलते थे। जब फिल्म में देखा तो उधर आ गए, विलन लोगों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना। खैर काम इधर उधर की बातें कर रहे हैं,
आपको रणबीर की शादी के लिए बहुत बहुत बधाई हो. थैंक यू. बधाइयाँ जी, बधाइयाँ. कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. एक बात बताइए, आप जो पहली बार आलिया से मिली तो आपने शादी के लिए झट से हाँ कह दी कि भट से हाँ कह दी? कैसी घटिया राइमिंग कर रहा है तू? अच्छी बात करना. ठीक है नीतू जी, मुझे पूछना था कि जब आलिया जी शूटिंग करके घर पे वापस लौटती हैं तो आप उन्हें क्या बोलती हैं? खाना खा लिया कि खाना आ लिया? ये राइमिंग नहीं थी बेटा, राइमिंग नहीं, ये टाइमिंग थी. हाँ खैर, गैस से बात करते हैं. बेटे कियारा जी भी बैठी हैं. हाँ कियारा जी से मुझे बात करनी थी. आ जा बेटे, यहाँ पे आ जा. कियारा जी बहुत अच्छी लग रही हैं आप. थैंक यू. ये मेरा बेटा बहुत मेहनती है, इसने बहुत मेहनत करके पैसे जमा करके घर खरीदा है. अब हमें तलाश है एक ऐसी लड़की की जो सुंदर हो, सुशील हो, जो इसका घर रेंट पे ले सके. आप रिश्ते की बात करनी थी. हाँ, आपके रिश्ते में भी कोई हो तो भी हम रेंट पे देते. बाबा शादी शादी. हाँ शादी शुदा भी कोई हो तो उसको भी रेंट पे दे देंगे हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है. बाबा मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ. तो अपनी शादी की बात मुझसे क्यों कर रहा है, जाके कोई लड़की से करना. बाबा आप कियारा जी से शादी की बात कीजिए ना. अरे मैं कैसे करूँ इतने बुढ़ापे में शादी की बात, क्या बात कर रहा है. आपकी शादी नहीं बाबा, मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ. तेरी शादी इनसे. तेरी शादी इनसे? क्या 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 ढूंढ रहे बाबा? मैं बेटा तेरा दिमाग ढूंढ रहा हूँ. खैर आप लोगों को बता दें, हम लोग जा रहे हैं यूएसए के शो के लिए, लेकिन आपकी फिल्म जो है वो बिना देखे नहीं जाएंगे. सब लोग जाएंगे थिएटर में देखने के लिए. जुग जुग जियो. खैर जाने से पहले मैं एक छोटी सी आइटम पेश करना चाहूँगा. मेरा बेटा और मैं, अभी आप लोग यहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग बैठे हैं, इतने फिट लोग हैं, आज हम आपको जिम मशीन बन के दिखाएंगे. जिम मशीन? I'll just show you my talent now, okay? Just walk. Then the hand goes first. Okay. मनीष जिम मशीन देख. आज मेरा चेस्ट डे है. Today is my chest day. Okay. Let's go. वेट थोड़ा सा कम है, लगता है हमें वेट बढ़ाना होगा. Come on, push. Push. पिक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई हो, फिर मुलाकात होगी. थैंक यू. तुम लोग नए नए कपड़े पहन के क्यों आ गए यहाँ पे? लोगों को पता चले नॉर्मली भी अच्छे लगते हैं हम लोग. मतलब कैसे आना हुआ? अरे सीजन का फाइनल एपिसोड है कपूर, तो पूरी टीम आई है सबको थैंक यू बोलने के लिए. थैंक यू. थैंक यू. मैं भी अपने फैंस को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. ये लोग कहाँ हैं, ये फैंस कहाँ हैं? जो सामने और बकरियां बांधी हुई हैं, फैंस ही हैं. एक सेकंड, अगर इसके फैंस हो सकते तो मेरे तो डेफिनेटली होंगे गाइस. इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. ये झूठ बोल रही है ऐसे सर, कोई नहीं सर, 70% एपिसोड में तो तुम थी नहीं. बहुत प्यार दिया है जी, बहुत प्यार दिया है. लेकिन एक बात है सर, शी इज वेरी सपोर्टिव.
हाँ नहीं ये नहीं ये बात तो है, मैंने भी देखा शी इज वेरी सपोर्टिव. मतलब अगर चंदन सर रिहर्सल करते करते अगर सो जाता है, ये लड़की वैनिटी में जाके सर ये भी सो जाती है, दे आर मेड फॉर ईच अदर. तुम लोग 9 साल से एक साथ शो कर रहे हो, तो हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन? लेट्स स्टार्ट विद द लेडीज. हाँ मैं बताता हूँ. सॉरी हो जाता है. ओरिजिनल लेडी. नहीं बट सबको पता है मैंने करियर की शुरुआत की थी डेली सोप से. 2011-12 कपिल की पार्टनर बनी कॉमेडी सर्कस में. टुडे इज 2022. कपिल थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जब शुरुआत की थी तब कॉमेडी का आइडिया नहीं था, तो जो कुछ भी सीखा है तुमसे सीखा है. बोल रही मेरे पे इल्जाम मत लगा, मैंने कुछ नहीं सीखा. कपिल जो भी है दर्शकों इसका खुद का, हमारा नहीं है. हम अपना अकेले रहते हैं, ये अलग है. ओके गाइज, एक्चुअली हमें ये पूछ रहे हैं, जैसे जुग जुग जियो में ये हमारी फैमिली है और एक पिक्चर बनाते हैं या फैमिली में झगड़े हंसी मजाक सब होता है, पर जब भी कुछ मुश्किल आई होगी सीजन में ये 9 साल में, तो हु इज द फर्स्ट पर्सन आप में से जो मेकअप कराता है सबका? हम आपकी फिल्म में आके बीच में बोलते हैं. कोई तो होगा. अंदर की बात नहीं जानता है. मेरे को अंदर की बात नहीं जानता है. इसमें कहना चाहूँगा वरुण, क्योंकि कपिल शर्मा शो बहुत सालों से चल रहा है, मैंने 2018 में ज्वाइन किया सर. जब मैं नया नया आया अर्चना जी, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ 10-15 एपिसोड ही हो पाएंगे शुमाना के. लेकिन जब इसने 20-25 किए तो मैंने कहा मेरे तो 250 बनते हैं. तुम बताओ कि तुमने कॉमेडी कैसे की, कब से शुरू? मैं तो कर दी शुरू. यार शो खत्म होने पे आया, तुम अभी भी नॉन सीरियस हो. चल ठीक है प्लीज. खैर मैं सबसे पहले अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने देश में रहने दिया. तुम बोल लो यार, मैं बाहर जाके बोल लेता हूँ. प्लीज कीकू भाई आप अपना एक्सपीरियंस कुछ बताइए. हाँ मैं सबसे पहले शो की असली लड़की के बारे में कहना चाहूँगा. तो शुमोना विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि तुम्हारी रिस्पेक्ट हमेशा ड्यू ही रह जाती है, मिलती नहीं. चलो भाई. विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने जब पहली बार शुमोना से मैं मिला था, मुझे लगा ये छोटी सी प्यारी सी फ्रेजाइल सी इतनी सी लड़की इतने बड़े स्टेज पे इतनी बड़ी ऑडियंस लाखों करोड़ों लोगों को एंगेज कर पाएगी. लेकिन शुमोना मैंने इस सीजन के आखिरी 4-5 एपिसोड देखे हैं, आई मस्ट से कि तुम ट्राई भी नहीं करती. कृष्णा भाई के बारे में बोलना चाहूंगा, लेकिन पहले तो इससे ज्यादा मेहनती आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा भाई. क्या बात है. लेकिन इसमें होता क्या है, इनको जैसे ही अपनी स्क्रिप्ट मिल जाती है ना, एक तैयार पूरा ढांचा तैयार हो जाता है स्क्रिप्ट का, ये आदमी इतनी रिहर्सल करते हैं, एक एक बंदे को पकड़ के अपनी पूरी स्क्रिप्ट सुनाते हैं, परफॉर्म करके दिखाते हैं. मैं भी अगर पीछे मिल गया इन्हें तो पूरी अपनी स्क्रिप्ट मुझे सुनाएंगे, भाई आप बहुत अच्छा करते हो, लेकिन हमें भी अपना काम करना होता है, घर से रिहर्स करके आओ यार. लेकिन कृष्णा भाई, हाँ जी, जो भी है, हाँ, आपको सल्यूट है, क्योंकि डांस के साथ जैसी आपकी एंट्री होती है, डांस के साथ आपकी एग्जिट होती है, कमाल. थैंक यू भाई. लेकिन आप बंद कर दो. बहुत हो गया डांस यार, आप तो हमें सारे स्टेप याद हो गए हैं, ऐसे ही होता ना आपका ये. बहुत हो गया. एक टाइम था जब मैं आपके डांस का फैन था, लेकिन जब मैंने गोविंदा जी के डांस देखा तब मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा ओ इधर तो सिर्फ ब्रेड बनती है, आटा तो कहीं और से आ रहा है. अच्छा वो एक मिनट चंदन आपने स्टेप किया था, कौन सा था मेरा वाला? वाह, कॉमेडी के साथ साथ डांस की भी टाइमिंग खराब है. करो एक दूसरे की बेइज्जती. आई एम एंजॉयिंग. एक एक एंट्री करके निकल जाते हो, करो आज काम. करो अर्चना जी, आई लव यू अर्चना जी. थैंक यू. लेकिन अर्चना जी आपको याद है जब हमने ये वाला सीजन शुरू किया था, शूटिंग का पहला दिन था, तो मैं सबसे पहले जब शूटिंग पर आया, मतलब मैं 3-4 घंटे शूट से पहले आ गया था, सबसे पहले दौड़ के मैं आपकी वैनिटी में आया, आपने मेकअप भी नहीं किया था, और मैंने आपसे कहा दादा जैसे ही अर्चना जी आए उनसे कहिएगा. हे भगवान ये क्या हो रहा है.
But seriously, I want to ask you guys, आप लोग मतलब हमारे बॉलीवुड के इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के सामने यू नो यू परफॉर्म, तो कुछ नर्वसनेस यू नो डू यू फील एनी लाइक नर्वसनेस? तो नहीं, थोड़ी सी एंजाइटी होती है क्योंकि हम लोग इतना रिहर्सल करते हैं. कभी ऐसा होता है ना अनिल सर के एक जोक सुनाया गेस्ट नहीं हंसे, दूसरा जोक सुनाया गेस्ट नहीं हंसे, तीसरा जोक सुनाया गेस्ट नहीं हंसे, तो हमें पता चल जाता है हमारा जोक अच्छा है. हमारा जोक अच्छा है, गेस्ट थोड़े सीरियस टाइप के हैं और कुछ नहीं. खैर अनिल सर, नीतू मैम, नीड योर ब्लेसिंग्स क्योंकि इसके बाद मैं अपने US और कनाडा लाइव शो. तेरा कौन सा टूर है अभी बाहर? कौन सा, इसका कौन सा टूर है यार जिसमें आप लोग भी जा रहे हो? हम तुझे लेके जा रहे हैं. तो एक ही बात है, कट्ठे जा रहे हैं. तुझे तो कोई बेस्ट विशेस नहीं देता, तुझे शो किसने दे दिया? हम मेरा शो है. बाकी हम तो चलो US जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है अर्चना जी यहीं पर रहे. मेरा शो आ रहा है. हम जा रहे हैं इसलिए आपका आ रहा है. हम रुक जाए बता. पर जोक्स अपार्ट, अर्चना जी वी लव यू. हम लोग हमेशा ही, आपने सुना होगा कभी मैं चंदन पे कोई पंच मारा है, शिमोना पे, कृष्णा पे, किक्कू भाई पे, अर्चना, हम सब एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं. पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने के लिए. और जैसे कि मैंने पहले कहा, हम लोगों ने ये शो 3 महीने के लिए बनाया था. कब 9 साल हो गए हमें भी नहीं पता चला, और आप लोग ऐसे प्यार देते रहे तो हमें भी नहीं पता ये कब तक चलता रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.